और जो है ना बात इतनी भी नहीं है कि खाना बनाना आना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। आपको खाना बनाने की इच्छा भी होनी चाहिए ना, आप सीख सकते हो, लेकिन आपको इच्छा कैसे होगी जब आपने प्रैक्टिस ही नहीं करा, आप इस काम में घुसे ही नहीं शुरू से। आप तो पढ़ते रहे, आप तो सुनहरे सपने देखते रहे, अच्छी जॉब करूंगी, ये सपनों में ये तो आया ही नहीं कि मुझे कुकिंग भी करनी है। रियलिटी कुछ और निकली। अब खाना बनाना तो आ गया है, लेकिन खाना बनाने की इच्छा भी तो होनी चाहिए। किसी को खाने में क्या है कि जब खाना बनाने से हो गएंगे के चैनल पे कहेंगे टमाटर तेल छोड़ दे, हमारा तेल निकल गया, टमाटर के तेल छुड़वाते छुड़वाते। किसी को खाने में टमाटर नहीं चाहिए, किसी मतलब टमाटर चाहिए दिखने नहीं चाहिए, ग्रेवी बनाओ। किसी को प्याज, अब प्याज नहीं चाहिए दिखने में, हमारे घर में है एक ऐसे इंसान, हमारी बच्ची, उसको प्याज नहीं चाहिए, कच्ची खा लेगी, अब उसको खाने में प्याज नहीं चाहिए। किसी को गार्लिक मोटा कटा नहीं चाहिए, किसी को मिर्च नहीं चाहिए, चाहिए सब दिखना नहीं चाहिए, है ना। और अदरक, अदरक नहीं चाहिए, रोज नए नुस्खे यार। फिर इतना हम सब को ध्यान में रख के कुछ बनाए तो वो छोड़ देते हैं, पसंद नहीं आया, कभी ग्रेवी ग्रेवी खा लेंगे, कभी वो नहीं। फिर सेहत भी चाहिए कि ऑयली भी नहीं होना चाहिए, और स्वाद भी होना चाहिए, और बॉइल्ड भी नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर सब कुछ होना चाहिए। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है ना, मुझे, मैंने इंजीनियरिंग करी, मुझे लगता है मुझे इंजीनियरिंग करनी ही, मैंने डिप्लोमा किया, बीटेक करी, मुझे करना ही, दोनों कोर्स करने ही नहीं चाहिए थे। मुझे अपनी मम्मी के साथ किचन में घुस के काम कराना चाहिए था, अपनी माँ को भी सुख देती, मैं पढ़ती रही उस टाइम पे बैठ के, मम्मी काम करती रही, मम्मी भी सोचती रही मेरी बच्ची बनेगी इंजीनियर है, तब मुझे काम करने की आदत पड़ जाती, और अभी मुझे काम आता भी और मैं खुशी से भी कर रही होती। कहोगे ये फ्रस्ट्रेशन यहाँ क्यों उतार रही है, किधर उतारू, आप ही लोगों जो उधर से बोलोगे नहीं ना, अभी सिर्फ सुन रहे हो, कोई बोलेगा नहीं। ये बहुत ही, मैं तो उन औरतों को देख के खुश होती हूँ जो अपने घर के काम खुशी से कर लेती हैं, क्योंकि मेरे से तो भैया नहीं होता है ये। अभी मुझे 14 साल भी मेरे हाथ सब जलते हैं अभी भी हैं, और जो है ये सब जल गए हैं, है ना। और खाना पसंद नहीं आता लोगों को, और कभी दाल ज्यादा गाढ़ी हो गई, कभी पतली हो गई है, कभी चने वैसे नहीं बने जो मार्केट में, भटूरे और छोले, भटूरे भी मैदा होता है, पसंद है सबको, बहुत पसंद आता है, लेकिन मैदा होता है, पूरी भी नहीं खा सकते ये देखो। फिर ये पूरे दिन का काम खत्म करने के बाद अब एक्सरसाइज करो, वॉक पे चलो, अब वॉक पे चलो, गोड्डे घिस गए हैं चल चल के, गुस्सा आया हुआ मुझे आज। और वीडियो वीडियो मेरे चैनल पे देख लो, डल ही नहीं रही, शॉर्ट्स, शॉर्ट्स में गाने, उस शॉर्ट्स का कुछ मुझे मोनेटाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं है, वो भी इसलिए डालती हूँ कि चलो कुछ डालना है तो डाल दो, वरना जो जो मसा मसा चैनल चला वो भी बंद हो जाए, चला है मेरे, देख लो क्या व्यूज आते हैं वीडियोस पे। अब तो इतना गुस्सा आ गया कि ऐसी बना के डाल दूंगी, देखना तो देखो, नहीं देखना तो कोई ना देखे, मैंने तो डाल दी, क्योंकि वीडियो भी डालने का प्रेशर होता है, यूट्यूब चैनल बंद हो जाता है, ये इसके पता नहीं क्या क्या हो जाता है, इतना भी टाइम नहीं देखने का, अब जो बोल दिया देखना है देख लो, नहीं देखना तो गुड बाय, मैं होगी तंग।